इसमें मेथी पड़ी हुई है, धनिया पड़ा हुआ है वो तो दिख रहा है, इसके अलावा काजू का पेस्ट पड़ता है, लाल मिर्च दिख रही है। दिल्ली में जब से कोविड फैला और वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो मेरे पास एक मौका था कि मैं घर पे रहूं फर्रुखाबाद अपने शहर में, लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। दिल्ली में जैसे बाहर तरह तरह के रेस्टोरेंट हैं, कैफे हैं, उस तरह का खाना यहाँ नहीं मिलता था, लेकिन फिर मुझे पता चला मोती महल खुला है, वही दिल्ली वाला मोती महल यहाँ खुला है और हम मोती महल में हैं फिलहाल। हम खाने का रिव्यू करेंगे। मोती महल के बारे में जो लोग नहीं जानते वो जान जाएँ कि मोती महल ने दो ऐसी चीज़ें जो कुंदनलाल गुजराल थे जिन्होंने दाल मखनी और बटर चिकन इन दो चीज़ों की शुरुआत की। तो स्थापन के समय में वो दिल्ली पहुँचे, उसके बाद उन्होंने रात के बचे हुए चिकन को, तंदूरी चिकन को, फिर उसमें उन्होंने बटर मिलाकर, टमाटर की ग्रेवी मिलाकर बनाना शुरू किया और उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती गई और बटर चिकन बन गया। बटर चिकन कोई बहुत पुरानी डिश नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुगलई खाने के नाम पर बटर चिकन आपको मिल रहा है तो वो 500 साल पुरानी डिश, 70-80 साल पुरानी डिश है। इसी तरह से जो दाल मखनी जो गुरुद्वारे में लंगर में जो दाल बनती थी और वो सारी, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है दाल मखनी, उसमें मक्खन बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी यूट्यूबर्स आजकल कहते हैं भैया कितना बटर डाल रहे हैं, उसकी शुरुआत जो थी वो गुजराल साहब ने की थी, कुंदनलाल जग्गी जिनको बोला जाता है। तो आज हम मोती महल में देखते हैं इसका स्वाद भी दिल्ली वाले मोती महल जैसा ही है या उससे अलग है, क्या है बातचीत। तो सबसे पहले तो लेते हैं तंदूरी चिकन और हमारे कैमरे के पीछे जो साथी हैं वो शाकाहारी हैं तो ये उनकी किस्मत में नहीं है, देखने में तो सही लग रहा है। अगर बटर चिकन जो होता है उसी में अगर आप चिकन की जगह पनीर कर दें तो शाही पनीर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अफसोस होता हो कि साहब आपको चिकन खाने का नहीं मिला, बटर चिकन नहीं मिला, तो आप मान लीजिए कि आपने शाही पनीर खा लिया तो लगभग, पूरी तरह तो नहीं, लगभग बटर चिकन खा लिया। तो टेस्ट करते हैं, देखते हैं। हालांकि हमने इनसे खमीरी रोटी की डिमांड की थी जो हमें नहीं मिली और हमें उसकी जगह तंदूरी रोटी से काम चलाना पड़ता है। खमीरी रोटी हम चाहते थे, वही ज़्यादा अच्छी लगती है, फिलहाल नहीं थी इनके पास, भीड़ भी थोड़ी सी है यहाँ पर। तो देखते हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो आपको ग्रेवी में साफ साफ दिख जाएंगी, जैसे इसमें मेथी पड़ी हुई है, धनिया पड़ा हुआ है वो तो दिख रहा है, इसके अलावा काजू का पेस्ट पड़ता है, लाल मिर्च दिख रही है, काली मिर्च दिख रही है बीच बीच में कहीं पर, बटर है तो ऊपर से बटर दिख ही रहा है, मलाई दिख रही है क्रीम, और बटर चिकन बहुत तीखा नहीं होता है, हल्का सा मीठा रहता है, कुछ लोग हल्की सी चीनी डालते हैं इसमें। तो टेस्ट बहुत अच्छा है, फर्रुखाबाद में मतलब इस चीज़ की बहुत कमी थी। अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें मिलती हों वो नहीं था। फिलहाल विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस समय अभिषेक हैं, अभिषेक यहाँ के मैनेजर हैं और इनसे हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, लोगों को जो एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ये मोती महल आपने सिर्फ नाम रख लिया है या ये वही मोती महल है जो दिल्ली में या दूसरी फ्रेंचाइज है जी। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली वाले फ्रेंचाइजी चल रहा है हमारा वही है और कोई हमने अलग से नाम नहीं रखा है, फ्रेंचाइजी ली है और ये लॉन्ग टाइम से थोड़ा हमारा पहले मॉडर्न फूड कोर्ट चलता था तो ये अभी हमने लास्ट ईयर हमने 6-7 महीने हो चुके हैं हमने फ्रेंचाइजी को ऐड किया है और अभी तक के रिस्पांस से अभी तक हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। तो दिल्ली वाला जो जैसे मोती महल है उसमें जैसे कहते हैं कि कुंदनलाल गुजराल जो थे उन्होंने बंटवारे के बाद बटर चिकन दिल्ली में बनाना शुरू किया सबसे पहले और दाल मखनी वहीं से शुरुआत हुई फिर बिल्कुल बिल्कुल आज तो हर जगह मिलती जी। तो आपका टेस्ट वही है जो वहाँ दिल्ली में मिलता है उससे अलग टेस्ट है या अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेस्ट होता है कैसे? नहीं देखिए जैसे कि मोती महल की फ्रेंचाइजी का मैं कहूँगा कि इनका बटर चिकन और दाल मखनी इनका जो कि फेमस है वो हर एक जगह रहेगा, बट क्या होता है कि शेफ़ लोग हैं हर जगह है थोड़ा बहुत तो टेस्ट का रह सकता है लेकिन हाँ चीज़ वही है फ्रेंचाइजी मेन रेसिपी वही है जो वहाँ सेम है रेसिपी सेम है जी बिल्कुल तो आपको वही टेस्ट मिलेगा। और वैसे भी हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में अभी तक के रिस्पॉन्स में जो हमारा मोती महल का है जो उसका फीडबैक है जो हम कस्टमर से बात करते हैं पूछते हैं तो उसमें तंदूरी चिकन और दाल मखनी का तो फिर बेस्ट रहता ही है हमारा। सबसे ज़्यादा आपके क्या डिमांड जाती है? हमारे यहाँ तंदूरी चिकन नॉनवेज से रहता है जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट है और वेज की अगर बात करूँ तो दाल मखनी है, पनीर मखनी और भी कई चीज़ें हैं जो कि इनका खुद का प्रोडक्शन है, मतलब 1920 ईयर्स इनका ओरिजिनल खुद का प्रोडक्शन जी जी। और प्राइसिंग क्या है, दिल्ली वाली है या फर्रुखाबाद की? अगर मैं कहूँ तो दिल्ली वाले रेट से और यहाँ के मेन्यू का अगर मैं कहूँ तो 40% का ही मतलब
मेन्यू हैं। अगर दिल्ली की अगर बात कहूँ तो वहाँ के बटर चिकन और यहाँ के बटर चिकन मतलब 2200 के रेट में वहाँ बटर चिकन है। वहाँ तो ऑब्वियसली क्योंकि वो जिस लोकेशन पर है दरियागंज में, वो बहुत महंगी जगह है और वहाँ की ऑडियंस भी बिल्कुल अलग है, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं, विदेशी। दिल्ली से अगर कंपेयर करूँ रेट को लेके तो हमारा 40% मतलब सस्ता पड़ेगा। तो आप मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपको वही चीज़ आपको यहाँ कम दाम में मिल रहा है। बिल्कुल।